सर्बल पाल्सी एक ऐसी समस्या है, कोई डॉक्टर, कोई सोसाइटी, कोई भी मेडिकल कम्युनिटी, कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चों के अभिभावक, उनके माँ बाप खुद ऐसे बच्चों के लिए खुद डॉक्टर बन जाएं, तो उस बच्चे को किसी अवस्था तक, किसी स्टेज तक लेके जा सकते हैं। हमारे पास हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल है, या बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर के चल सकते हैं, वो सभी पोस्ट, वो सभी जॉब कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं, बशर्ते केवल एक दो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सर्जन जैसे मेडिकल प्रोफेशन में होता है, इन छोर को छोड़ करके सभी जॉब, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सभी व्यक्ति ले सकते हैं, बशर्ते कि उनके ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहे, विशेष सुविधाएं दी जाएं। केवल संवेदना प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, उनको एक मार्गदर्शन, एक ऊंची ऊंची ऊंचाई तक लेके जाना है, और उन सभी चीजों के बारे में अभिभावक से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में इन बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, सुनते आता हूं, सभी जानते हैं कि अक्सर ये कॉन्फ्रेंस, सिंपोजिया, वर्कशॉप डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए होता है। इंडिया में आप सभी जानते हैं कि स्पेशलिस्ट कितने हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं कहते हैं 10 फैमिली 100 फैमिली के पीछे एक डॉक्टर होगा, यहाँ पे 1,000-10,000 के पीछे एक डॉक्टर की बात होती है। किसी भी डॉक्टर की चैम्बर में आप जाते हैं तो उस डॉक्टर के पास प्रतिदिन कोई 50 पेशेंट देखता है, कोई 100 देखता है, कोई 200 देखता है। सबकी अपनी समस्याएं हैं, पेरेंट्स हमारे बहुत सारी समस्याओं से एक साथ गुजरते हैं, साइकोलॉजिकल बर्डन एक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूसरी अवस्था है, एक बच्चा ना होकर कई सारे बच्चे घर में हैं, बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस खुद बच्चे की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप किन किन डॉक्टरों को दिखाते जाएंगे? क्योंकि एक डॉक्टर जो हमारी कम्युनिटी में, मैं खुद हूं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, क्या मैं बिहेवियरल थेरेपी कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्या मैं पीडियाट्रिशियन बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं। तो आपको जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, बट उसके बैकग्राउंड में तो आपको नॉलेज है, तो प्राइमरी केयर, इमरजेंसी केयर, देखभाल और डॉक्टर से उसी तरह से अच्छी सलाह ले सकते हैं। इसलिए जो मेरी 15 सालों का अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अभिभावक ट्रेंड हो जाए, अभिभावक माँ बाप पूरी जिम्मेदारी खुद ले ले, क्योंकि सर्बल पाल्सी ऐसी है, जैसे मैंने कहते नहीं, मैंने MBBS कर लिया, पहले 50 साल पहले बात होती थी तो आई एम ए डॉक्टर, अब बोलते कि MBBS कर लिया तो मेरे को बेसिक नॉलेज हुई है, अब मेरे को बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, अब मेरे को स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है। ऑर्थोपेडिक्स कर लिया, उसमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स मैंने किया, सर्बल पाल्सी, तो सर्बल पाल्सी इतना बड़ा सब्जेक्ट है और सर्बल पाल्सी की समस्याएं इतनी ज्यादा है कि 100 बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाए तो मेरे ख्याल से 2 बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। तो एक डॉक्टर अपनी लाइफ में 100 बच्चों के बारे में कितना नॉलेज कर पाएगा, है तो सर्बल पाल्सी के प्रति केवल समर्पित ना हो, और एक जो अभिभावक है उसके पास एक बच्चा है, उसकी जितनी समस्याएं 4-5-10 है, थोड़ा सा भी जागरूक है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, तो उन चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल है, हो सकता है इंटरनेट में सभी के पास स्मार्टफोन है, नेट से भी चलाते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन हम चूज कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि पेरेंट्स का आपस में एक ग्रुप बनना, आपस में डिस्कस करना, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो नॉलेजेबल पेरेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करना, उनसे चर्चा करना, जो ऐसे जगह पे है, तो अल्टीमेटली हम 4-5-10 साल में खुद पूरी नॉलेज ले करके, हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, उसको हम सिखा देते हैं तो अपना जीवन खुद निकाल लेता है, बहुत कुछ कर सकता है। अभी मैं सुबह अभी बात हो रही थी, मास्टर अपूर्व अग्रवाल, वो हमारी बरेली से आए, उसकी उम्र है 26 साल के आसपास, मदर फादर दोनों डॉक्टर, बरेली में हैं। जब मेरे पास आए थे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस अवस्था में थे, क्वाड्रीप्लेजिक्स, GMFCS5, कुछ भी नहीं था, बट उसके अंदर हिम्मत जज्बा बहुत थी, और उनकी मम्मी जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी,
यहाँ पे 6 महीने रुके, वापस गए, सेंटर उन्होंने खुलवाया और आज के तारीख में मैं बोल रहा हूँ त्रिशला के बाद कोई सेंटर है तो बरेली का सेंटर है। आज वो अकेला आया स्टाफ के साथ और उनके थेरेपिस्ट हैं, मदर उनके फादर नहीं। अभी मैंने कहा कि अपूर्व लग रहा, बड़ा हो गया है, खुद अपना जीवन खुद चला सकता है, हंसने लगा। तो ये कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को जानना जरूरी केवल बात नहीं है, उस बच्चे उस व्यक्ति को भी अपने बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कब कहाँ क्या जरूरत है। इसीलिए मैं प्रतिवर्ष शुरुआत में कोशिश किया स्पेशलिस्ट को समझाने के लिए, सिखाने के लिए 3 साल मैंने प्रयास किया, बट बहुत अच्छे परिणाम निकल के नहीं आए। कोशिश तो बहुत की, लेकिन कहते नहीं है कि हमारा इंडिया है, हम सब जानते हैं, सब कर लेंगे, हमको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरी कोशिश निरंतर जारी है, बट मेरे को लगा कि पेरेंट्स को सिखा दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए तो उनसे बड़ा इन बच्चों के लिए योगदान किसी के साथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, बहुत सारी लाइफ प्लानिंग्स होती हैं, बहुत सारे लीगल गार्जियनशिप के बारे में हमारे पास जितने पेरेंट्स हैं किसी को नहीं पता होगा। हमारे बीच यूके शुक्ला जी यहाँ पे नेशनल ट्रस्ट से आए हुए हैं, बहुत ही थियोरेटिक हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, कई सालों से वहाँ पे लगे, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट किया। मेरे को नहीं पता है, अभिभावकों को तो बात छोड़ दीजिए, सबको जानकारी नहीं होगी तो हमारी गवर्नमेंट कितनी भी योजनाएं बना दे, कितनी भी नियम कानून लागू कर दे, हम आपको सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का एक आदेश है कि कोई भी स्कूल कोई भी फिजिकली चैलेंज व्यक्ति बच्चे को एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकता, बट हमको ये बताएं यहाँ कितने बच्चे जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। बहुत प्रयास हम लोगों ने किया, हमारे सैकड़ों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पर सैकड़ों बच्चे जाने से क्या हमारी समस्या निदान हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। सैकड़ों नहीं, सभी बच्चे वहां पे जाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्पेशल स्कूल्स का होता है, हमारे स्पेशल स्कूल उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्पेशल स्कूल का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म के बच्चे। और आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को जिस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, कहते नहीं काली कोठरी में जाएंगे तो काला जरूर लगेगा, इन बच्चों को एक नॉर्मल आईक्यू का बच्चा है उसको एक हम मेंटल रिटार्डेशन वाले स्कूल्स में डाल देंगे, स्पेशल स्कूल्स में डाल देंगे, क्या नॉर्मल विकास होगा? कतई नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे अब नॉर्मल करेक्टर वो सीख लेते हैं और उनका विकास वहीं पर रुक जाता है। मेरे को देख के बहुत दुख होता है, जिन बच्चों को हम हाइट पे देखना चाहिए आज वो बहुत नीचे है और बहुत लेट हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं 16 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में सेकेंड में जाएगा? इम्पॉसिबल है, ना तो स्कूल वाले एक्सेप्ट करेंगे ना बच्चा एक्सेप्ट कर पाएगा। हमारे बीच यहाँ पे जय चिनियारा आया, राजकोट से आया, व्हीलचेयर पे था, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा हास्य कलाकार है, बहुत फेमस है, बहुत डिगड़ा उसके दिल में है, बहुत हिम्मती वाला है। मैंने कहा स्कूल में नाम डलवाइए, लेकिन आज तक नहीं डल पाया। उम्र 18 साल, कैसे बैठेगा स्कूल में? घर पे पढ़ता है, पढ़ना लिखना शुरू किया, कुछ भी नहीं था, लिखना शुरू कर दिया, पेपर पढ़ लेता है, पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन जो चीजें आज वो होनी चाहिए, जब वो एक अच्छा मॉडल बन सकता है, क्या पढ़ लिख नहीं सकता? आईक्यू नहीं होता तो क्या शेरो शायरी कैसे सुनाता? आईक्यू तो था और उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। आज जो जॉब में होता, जॉब के साथ कोई भी काम करता तो एक बहुत अच्छी ऊंचाई अच्छी हाइट पे पहुंचता। काश वो 18 साल पहले की बात है, लेकिन अब तो हम ना पीछे हटे। इसी सब समस्या को लेकर के मैंने ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हमारे नहीं आ पाए हैं, लगभग 30% लोग आ पाए, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आएंगे, लेकिन कार्यक्रम की बहुत लेट हो रही इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा चीज मेरे अक्सर क्या होता है, क्लिनिक में बैठा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ ये सिंपोजिया यहाँ पे, कह डॉक्टर साहब मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊं, मैं क्यों 500 रुपए दूं? मेरे को इतना दुख होता है कि कब हमारी पब्लिक, कब हमारे पेरेंट्स इन चीजों को सीखेंगे सुनेंगे। लोगों के पास बोलिए करें नहीं हमारे घर में शादी है, फलाने के घर में शादी है, फलाने का बर्थडे है, फलाने का फंक्शन है, मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को वहां जाना है। वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आती, ये चीजें इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती। वो किसके साथ उस व्यवहार कर रहे हैं? अपने बच्चे के प्रति कर रहे हैं, बच्चे के भविष्य को आप नकार रहे हैं। बट बहुत समझाने के बावजूद आज हमारे पास 6000 बच्चे रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, और रजिस्टर्ड कितने हुए? 300। क्यों हुए? क्योंकि अभी भी नॉलेज लेने की भूख नहीं है, अपने बच्चे के पूर्ण समर्पण नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो कि मेरे को लगता है कि मैं नहीं ठीक कर सकता था, मेरा सेंटर, मेरा त्रिशला फाउंडेशन बच्चों को ठीक नहीं कर सकता था, मेरे को अचंभा होता है कहां से ऐसी शक्ति आई।
जो व्हीलचेयर पे लेकर आए थे वो आज इंडिपेंडेंट हो गया, जिनको मैंने बोला उनके पेरेंट्स को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वो आज अपने पैरों पे चलने लगे, तो क्या मैं ठीक कर सकता था? ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल उन पेरेंट्स माँ बाप के अडिक रहने की वजह से हो पाया कि डॉक्टर साहब मैं तो आ गया हूं, ये मेरा आखिरी पड़ाव है, अब जो होगा देखा जाएगा, और घर द्वार छोड़ दिया, जब तक ठीक नहीं होगा। बेटा भी बोल रहा है कि नहीं, हम तभी जाएंगे जब अपने पैर पे खड़े होकर जाऊंगा नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया कि डॉक्टर साहब मैंने व्हीलचेयर लेकर आया, इसे संगम में डाल के जाऊंगा, मैं वापस नहीं लेके जाऊंगा, और आज तक व्हीलचेयर नहीं यूज किया उसने। तो ये सब चीजें अडिक्टनेस दिमाग में आनी चाहिए, सोच आनी चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों ने इस बार के कार्यक्रम में क्विज रखा है, वो सभी अभिभावकों के लिए है। कुछ हमारे सोशल वर्कर आए, सक्षम के कुछ स्कूल के टीचर्स आए हैं, तो दो ग्रुप्स में हमने दो मेडल्स रखे हैं। जो अभी कार्यक्रम होगा, सभी में लेक्चर्स होगा, बहुत सारी जानकारियां होंगी, तो आप सभी से निवेदन है बाहर ना घूम करके उनको अटेंड करें, सुने। और जो पेरेंट्स में सबसे मैक्सिमम सही आंसर देगा उनको एक गोल्ड मेडल है, और जो सोशल वर्कर या जो हमारे टीचर्स हैं उनमें से एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये एक शाम के एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में, ये गोल्ड मेडल की चाह, केवल गोल्ड मेडल से मतलब नहीं है, वो पता तो लगे कि कितने लोग हमारे जागरूक हैं, यहाँ पे सो रहे हैं कि डॉक्टर जैन ने बोला इसलिए मैं कार्यक्रम में आ गया हूं, ये सही सीखना जानना चाहते हैं, अपने बच्चे के प्रति काम करना चाहते हैं, ये केवल देखना है। गोल्ड मेडल मिलने से भी मतलब नहीं है, उसमें यह है कि कौन 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे रहता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप लोग से मैं बोलूंगा, दिलो दिमाग खोल करके बैठे, आराम से सुने, और हर लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन का सेशन होगा, 10 मिनट का सेशन है, बेहिचक आप खड़े होकर के क्वेश्चन को पूछें। हमारे वॉलंटियर्स आपको माइक लेके जाएंगे, बताएं। कुछ लोग हो सकता खड़े होना ना चाहते हो, आप पेपर पे लिख कर दे दें, कोशिश हम लोग करेंगे कि हर क्वेश्चन का आपको सॉल्व यहाँ पे दिया जाए। जो पर्सनल इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीजों को जानकारी लेने के लिए बैठे और पूछे, तभी अच्छी चीजें होंगी। इस बार हमने एक कार्यक्रम फर्स्ट लॉबी में भी रखा हुआ है, वो बहुत सारे बच्चे हमारी लड़कियां हैं जो बड़ी हो गई, छोटे पे हैं, उनके माँ बाप हैं, लड़कियों के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, उनको कैसे मैनेज करें, बहुत सारी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और बहुत सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। इन बच्चों, इन पेरेंट्स, इन अभिभावकों, इन सोसाइटी, बच्चों के काम करने सोसाइटीज के लिए जितने प्रोग्राम्स हैं, करता धरता सालों से वहां पे हैं और तन मन धन से पूरी तरीके से वहां पे लगे हुए हैं, वो भी हमको 45 मिनट एक घंटे का लेक्चर देके पूरी चीजें विस्तार से बताएंगे। और आप लोग संपर्क में हैं, चीजों का लाभ उठाएं, तभी हमारी गवर्नमेंट योजनाएं उसका अच्छा रहेगा। हमारे बीच आएंगे, आंख की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में रहती है, मैंने बहुत कोशिश किया इलाहाबाद, बहुत सारी जगहों पे कोशिश किया, बट पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट मेरे को आज 12 साल तक नहीं मिल पाया। लेकिन आप ये तो सोचिए, आपके बगल में चित्रकूट है, इतना बड़ा आई सेंटर, एशिया का बिगेस्ट सेंटर है, हमको नहीं पता था, हमको पता था, मैं गया भी था, बट हमारे संपर्क नहीं होने पर यह हमारा सौभाग्य है, हमारी वहां बातचीत हुई, तो तुरंत डॉक्टर जैन साहब वहां पे, जो वहां के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्हें तुरंत वहां से भेजा। डॉक्टर एस विश्वेश्वरन की प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, मिसेस साक्षी गुलाटी भी रहेंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, इलाहाबाद की हैं, यहाँ पे अभी कानपुर, उनके हस्बैंड ITI में, वो भी यहाँ पे रहेंगे अभी यहाँ पे। डॉक्टर तेज सिंह अभी नहीं आ पा रहे हैं हमारे बीच, और हमारे बीच डॉक्टर कमलेश सोनकर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे बीच मिसेस पुष्पा देवधर जी भी हैं, मिसेस पुष्पा देवधर जी